और जिसने अपने इस देश से हमें बहुत कुछ मिला, ऑक्सीजन मिली, जीवनदायिनी हवाएं मिली, ठंडा जल पीने को मिला, सूरज की रोशनी मिली, जिसका कोई हमें फीस नहीं चुकाना पड़ा, जिस पेड़ को सूरज की रोशनी नहीं मिलती है वो पेड़ भी विकसित नहीं होता है, और जिस मनुष्य को हवा नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो जी नहीं पाता है, और जिसे मिट्टी का स्पर्श नहीं मिलता है उसका शरीर लोचा हो जाता है। नदियों में जल बह रहा है, प्रवाह जारी है, कोई फीस नहीं पड़ती है, कितना ही स्नान कर लो, बोर करके नीचे से पानी निकाल लो, इस कुदरत ने बिना फीस ले तो और गरीब अमीर सबको दिया है, ऐसा कोई नहीं जो कहे हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन याद रखना, हमने इस सृष्टि में इस कुदरत को, इस दुनिया को, इस देश को क्या दिया, इस धरती को क्या दिया, हम भी इस दुनिया के लिए वरदान सिद्ध, संसार के लिए संस्कार की पूंजी प्रदान करें, इस जगत को माया मोह की नींद से जगाए, पूरा जगत बेहोश है, होश नहीं है लोगों, अपना अपना दायित्व लोग भूल रहे हैं, मेरा पिता के प्रति क्या दायित्व है, वाइफ के प्रति क्या दायित्व है, हस्बैंड के प्रति क्या दायित्व है, लोगों ने जिंदगी का मेन लक्ष्य तो भोग ही मान लिया है, बस विषया शक्ति में डूबे रहना, विषय विलास करते रहना, फिल्म देखते रहना, मूवी चलाते रहना, फेसबुक में फंसे रहना, व्हाट्सएप में डाट साफ करते रहना, जिंदगी का अर्थ ये नहीं है, इनसे और ऊपर जिंदगी है, जहाँ पर ये चीजें बहुत दूर छूट जाती हैं, फैशन में पड़े रहना, दो दो घंटे बाल सुधारना, तीन तीन घंटे काल सुधारना, फिर नाक सुधारना, फिर कान सुधारना, फिर पेट सुधारना, फिर टांगों की उंगली सुधारना, अरे तुम जिंदगी कब जियोगे, मैं कहाँ झंझट में उलझे हो, जिंदगी इसका नाम नहीं है, जिंदगी उसे कहते हैं जिसे जब तुम जीना शुरू कर देते हो तब बहुत लोगों को प्रसन्नता मिलना शुरू हो जाती है, आनंद मिलना शुरू हो जाता है। फूल उसे कहते हैं जब कली बनकर खिलना शुरू करता है तो खुशबू और पराग चारों तरफ फैलना शुरू कर देती है, जिंदगी गुलशन भी है और जिंदगी मधुबन भी है, और चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है। उम्र कितनी हो, समय जो गया सो गया, जो बचा है उसका उपयोग करिए, जो शेष है उसी को विशेष बनाइए, और जो चला गया वो तो हाथ वापस नहीं आएगा। गया जो समय हो नहीं हाथ आए, रहा जो समय जाने न पाए, यही रात दिन हम विचारा करेंगे, तुम्हारी शरण गुजारा करेंगे। परस्पर प्रेम भी पैदा करो, याद रखना जहां परस्पर प्रेम होता है वह
आंसू का झरना झरने लग जाता है। जहां केवल सामान है पर एक दूसरे का सम्मान नहीं, जहां केवल धन है लेकिन एक दूसरे के लिए धन्यवाद नहीं है, जहां केवल पेट भरने का सवाल है वहां पर सुख नहीं निवास करता है। एक रोटी कम खाकर भी अपने दादा और दादी की भी फिक्र कीजिए। भगवान वह है जो दूसरों की फिक्र करता है, इंसान वह है जो खुद की फिक्र करता है, और शैतान वह है जो किसी की भी फिक्र नहीं करता है, सबको टेंशन में डाल देता है। भाई भाई भी प्रेम से हो, कितनी उन्नति होगी तुमको भी पता नहीं। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, एलेन कोचिंग सेंटर कोटा का नाम सुना होगा, चार भाई हैं, प्रेम महेश्वरी और गोविंद महेश्वरी, चार भाई हैं। आपस की सुमत के कारण आज इंडिया में एक नंबर का कोचिंग सेंटर है, 400,000 विद्यार्थी पढ़ता है, और 400,000 विद्यार्थियों की 150,000 साइकिलें खड़ी होती है। हमने देखा खड़ी साइकिल, मेरे होश उड़ गए। मैं सोचता था ये क्या है, पूरे कोटा में छाई हुई है, नाम भी कमाइए, काम भी कीजिए। गुस्सा जिनको ज्यादा आती है समझ लो आगे बढ़ने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। जिनको खाम खाम क्रोध आता है हमेशा नींद आती है, नींद में ही जो रहते हैं, जाग गए हैं फिर भी नींद में ही है, समझ लो उनको अब आगे बढ़ना बंद हो चुका है। होश संभालिए, भोजन वह खाइए जो सूट करता है, स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए खाइए। कोई अपने से बड़ा डांट दे गाल मत फुलाइए, भोजन खाना मत छोड़िए, कहिए जी साहब जी गलती हुई है सुधार करूंगा, फिर काम करिए। ऐसा नहीं गलती भी करो और कोई डांट दे तो मामा के घर भाग जाओ, बेईमान कहीं का चौपट करना है क्या।